प्रधानमंत्री को जब बांग्लादेश छोड़ना पड़ा वो अमेरिका नहीं गई, वो इंग्लैंड नहीं गई, उन 55 देशों में नहीं गई, वो हिंदुस्तान में आई। यह इस बात को सिद्ध करता है कि हिंदू मूलतः सहिष्णु है। लेकिन याद रखिए, हमारे हर एक देवी देवता के हाथ में शस्त्र है। हम शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करते हैं। शस्त्र का हथियार भी है और ज्ञान भी है, और इसके लिए हिंदुओं का जो सत्र है उसकी परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए। हमारी सरकार, बांग्लादेश की सरकार, सब लोगों ने इस बात को समझा है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में किए जा रहे हैं उन अत्याचारों को रोकने का अभी वक्त आया है। हम सभी हिंदू भाई, हिंदू समाज के लोग, सारे भारतीय लोग बांग्लादेश के उन हिंदुओं के साथ में एक साथ खड़े हैं। हम उनका सपोर्ट करते हैं, हम उनको मदद का आश्वासन देते हैं। और इस मंच से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे कि इस प्रकार के अत्याचार वो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर न करेंगे। समय ने कहा कोई भी समाज जब संगठित होता है तो उसकी बात को सुना जाता है। हम इतने असंगठित, दुर्भाग्य से आज देश में यही प्रयास हो रहा है कि कैसे भी किसी प्रकार से हिंदुओं को बांट दो। ये अगला है, ये पिछड़ा है, ये ओबीसी है, ये बैकवर्ड है, ये है, इसकी भाषा ये है, और ये करके हिंदू समाज को बांटने का कार्य हो रहा है। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, उस परंपरा को मानने वाले हैं, उस संस्कृति के लोग हैं जो दुनिया का सबसे पहला धर्म है, दुनिया की सबसे पहली संस्कृति है। अमेरिका के लोग जब जंगलों में रहते थे, जब वनवासी थे, उस समय हमारे यहां पे एक विशाल संस्कृति थी। ऐसा हमारा देश जिसको हम माता के नाम से बोलते हैं, भारत माता, दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसको हम माता बोलते हैं। बाकी सब जगह लैंड है, जमीन का टुकड़ा है। इंग्लैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड सब जमीन का टुकड़ा है, ये माता है। सुबह उठकर के हम जमीन पर पैर रखने के पहले इसको प्रणाम करते हैं। समुद्र वस्ने देवी प्रतस्तर मंडले विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वने। हम उस संस्कृति को मानने वाले, उस विचार को मानने वाले हमारे हिंदुओं पर इस प्रकार के अत्याचार होंगे तो समाज कभी इसको सहन नहीं करेगा। हम इस मंच से आप सबके सहयोग से बांग्लादेश की सरकार को, भारत सरकार को, सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि हिंदुओं को ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए, और साथ में हम सब को ये समय हम उठ करके खड़े हो। हिंदू जगेगा देश जगेगा, और देश जगेगा विश्व जगेगा। हम 80 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग, बांग्लादेश की पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 10-15 करोड़ होगी, 15 करोड़, 80 करोड़ लोग यदि एक साथ खड़े हो जाए तो 15 करोड़ लोगों की हिम्मत नहीं है कि एक ही हिंदू को हाथ लगाए।
मुझे तो काशी वचन देना था, मैं तो 200 से ज्यादा ही बोलती है। तो हम सब संगठित हो, एक हो, और फिर से बांग्लादेश के हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ हमारी सहानुभूति है, उनके साथ हमारा विचार है, हमारा मन है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो स्वस्थ रहे, मंगल रहे, और उन लोग जब जय जय किए जा रहे हैं वो बंद हो। धन्यवाद।